वैसे तो ये डायरेक्टली नहीं रिलीज करते, कुछ पहले इनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, फिर उससे थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, बट अल्टीमेटली थ्रोम्बोकाइनेज नाम का केमिकल बनता है। फिर थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, ये दिस इज स्टेप वन, थ्रोम्बोकाइनेज बनना स्टेप वन, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। प्रोथ्रोम्बिन किसने बनाया, लिवर ने बनाया, किसकी प्रेजेंस में, वी हैव टू लर्न द फंक्शंस बिकॉज दे आर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, व्हिच वी विल लर्न अबाउट मोर एंड मोर इन द। हाय, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू? आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। बोलो जय माता दी बोलो, या जो भी प्रभु भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, नमस्कार करो और फिर पढ़ाई करते हैं। आज थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी तुमने। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड्स, तो यहाँ पे उन लिक्विड्स की बात नहीं हो रही, सूसू की बात नहीं हो रही, ठीक है, सलाइवा की बात नहीं हो रही, ये उन लिक्विड्स की बात हो रही है जिनसे हमारी बॉडी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये ट्रांसपोर्ट चीज़ें करने वाले लिक्विड्स की बात हो रही है, इट डज नॉट इन्वॉल्व अदर लिक्विड्स। लिक्विड्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे जिन लिक्विड्स की बात हो रही है बेसिकली ब्लड की बात हो रही है, और एक और लिक्विड होता है लिम्फ, उसकी बात हो रही है, एंड सर्कुलेशन, और उन फ्लूइड्स के सर्कुलेशन की बात हो रही है। एक्चुअली हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, हालांकि हार्ट का शेप ये नहीं होता लेकिन बनाने में अच्छा तो लगता ही है, वो कॉन्टिन्यूसली ब्लड को पंप करता है, कॉन्टिन्यूसली ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और ये ब्लड इधर उधर से घूम के अलग अलग पाइप्स में जाके, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाके, मान लो ये कोई ऑर्गन है, मान लो ये कोई लिवर है, कोई इंटेस्टाइन है, कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन्स में जाके वहाँ पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ से फिर ये वापस ऐसे करके हार्ट में वापस चला जाता है ब्लड, तो ये चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। हार्ट इज अ पंप जो कि इस लिक्विड को भेजता रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। अब इस लिक्विड का फायदा क्या है, ये जो ब्लड है ये ऑर्गन्स में जाके करता क्या है, ये बेटा ऑर्गन्स में, जैसे यहाँ पे ये मान लो ये ऐसे ऐसे करके ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे, ये ना आगे फर्दर कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो मैं तुम लोगों को आगे सिखाऊंगी, तुमने उसमें डरना नहीं है, ये एक ब्लड कैपिलरी है। मैं ब्लड कैपिलरी क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, ये सब समझाऊंगी मैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का एक बड़ा डायग्राम होता है क्योंकि हार्ट लंग्स को भी तो भेजता है, वो सब मैं बता दूंगी। मतलब ये तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सी बात बताई है कि हार्ट जो है कॉन्टिन्यूसली एक पंप होता है जो कि इस फ्लूइड को पंप करता रहता है पूरी बॉडी में, झुक 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 ऑर्गन्स में भेजता है, ऑर्गन से फिर हार्ट में, ऐसे ही चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेशन होती रहती है। तो सर्कुलेशन का फायदा क्या है, सर्कुलेशन का फायदा ये है कि जब ये ऑर्गन्स में जाता है तो ऑर्गन्स बनते हैं सेल्स के, है ना, तो सेल्स को बड़ी सारी चीजें चाहिए होती हैं जो कि ब्लड में होती हैं, तो ब्लड से ना यहाँ पे कुछ चीजें बाहर निकलती हैं, ब्लड बाहर नहीं निकलता, फ्लूइड बाहर निकलता है, इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, लिक्विड पार्ट होता है, वो बाहर निकलता है। अब तुम कहोगे मैम ब्लड में प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं बता दूंगी, सिर्फ एक बेसिक सी बात समझने की है, इसमें तुम्हें कुछ चीजें लगता है तुम्हें टर्म नहीं समझ में आएंगी, कोई बात नहीं मैं बता दूंगी। उन टिश्यू फ्लूइड में ना बड़ी सारी चीजें निकलती है, जैसे ऑक्सीजन निकलता है साथ में, तो ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, जब हम एटीपी बनाते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके और CO2 रिलीज करते हैं, और ये वेस्ट गैस फिर ये टिश्यू फ्लूइड में जाती है, टिश्यू फ्लूइड वापस ऐसे ब्लड में अंदर चला जाता है। तो बेसिकली ब्लड को इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, यू नीड मोर इंग्लिश बिकॉज यू आर फ्रॉम आंध्रा, ओके आई ट्राई टू मिक्स इट, मिक्स एंड मैच, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, ये ग्लूकोज भी तो ब्लड से आता है बेटा, ग्लूकोज फ्लूइड में बाहर निकल के फिर यहाँ पे आता है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूसली सेल से गंदी चीजें रिमूव करता है जो हमारा फ्लूइड होता है, और सेल को अच्छी अच्छी चीजें देता है, तो ये इसीलिए इस फ्लूइड का मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम कहोगे मैम फ्लूइड ने गंदी चीजें ले तो ली, लेकिन बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगी, हर एक चीज के निकलने का तरीका है बेटा। जैसे CO2 तुम्हें पता है, ब्लड ने ले लिया CO2, लेकिन ब्लड अल्टीमेटली जाके लंग्स को दे देगा CO2, लंग से बाहर निकल जाएगा, तो गंदी चीजें हमारी बाहर निकलती रहती हैं बॉडी से। और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो निकलते हैं, वो अलग अलग रूट से, जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन से बाहर निकल जाते हैं,
ठीक है, सूसू से बाहर निकल जाते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे स्वेट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे इसमें क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल में जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, CO2 इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल, तो वो भी एक्सक्रीशन का ही, मतलब इसको टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ले सकते हैं CO2 के रिमूव होने को भी, पर वो एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। सो कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो अलग चैप्टर की कहानी है। अभी सिर्फ मुझे इस फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मुझे बेसिकली क्या पढ़ना होगा, अगर मुझे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना है तो मेरे को बेसिकली कहाँ गया यार, बेसिकली मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, मुझे फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना होगा, मुझे ब्लड के बारे में पढ़ना होगा, मुझे लिम्फ के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर मुझे ह्यूमन ये सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ना होगा कि अलग अलग एनिमल्स में कैसे कैसे सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन, पर ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, देन डबल सर्कुलेशन। तुम लोगों को ये बैच ज्वाइन करके कैसा लग रहा है, हैं बेटा, तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारी बायोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है? ठीक है, ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट है, मेन पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि ब्लड तो हमने पढ़ ही लिया पहले, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पहला पार्ट है, लेकिन ब्लड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले शुरू में पढ़ा दिया होगा। फिर मुझे उन पाइप्स के बारे में बात करना है जिन पाइप्स में ये ब्लड बहता है। मेरी पाइप्स कौन कौन सी हैं, मेरी पाइप का नाम है आर्टरी, मेरी पाइप का नाम है वेन, मेरी पाइप का नाम है कैपिलरी, जिन पाइप्स में ये फ्लूइड बहता है। ठीक है, फिर मुझे अपने पंप के बारे में पढ़ना है जो कि इस फ्लूइड को बहाएगा। हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हार्ट का मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, हार्ट का मुझे कार्डियक साइकिल पढ़ना है, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, और भी चीज़ें, ECG पढ़ना है, CYCLE साइकिल पढ़ना है, ECG पढ़ना है मुझे, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं मुझे, ये सब चीज़ें पढ़नी है। डिसऑर्डर्स मैं अलग भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, डिसऑर्डर्स, अच्छा यहाँ पे लोगो आएगा ना, ये बेसिक सी बात मुझे पढ़ना है इस चैप्टर को। तो बेसिकली तेरा जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स लिक्विड है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स लिक्विड होने का मतलब क्या है, आगे देखो। देखो बेटा, ब्लड में वैसे मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है, ब्लड कॉम्पोजिशन पढ़ाना है, ब्लड ग्रुप पढ़ाना है, ब्लड कोएगुलेशन पढ़ाना है, लेकिन अभी सबसे पहले मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन पे चलना चाहती हूँ। ब्लड कॉम्पोजिशन, ये ब्लड बना कैसे है यार, क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होता है ये मैट्रिक्स, कैसे शब्द होता है। देखो बेटा, कोई भी टिश्यू होता है ना, कोई भी टिश्यू होता है तो उसमें क्या होता है, हर टिश्यू का बेसिक कॉम्पोजिशन है कि सेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यू में सेल्स होते हैं, और उसके बीच में बिना सेल्स वाला कुछ मटेरियल पड़ा होता है यहाँ पे ना, ऐसे कुछ, रुचा यहाँ पे कुछ बिना सेल्स के बीच बीच में कुछ मटेरियल पड़ा होता है। ये मटेरियल हर टिश्यू का अलग अलग होता है, ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नॉन सेलुलर होता है। अब आप कहोगे मैम अगर नॉन सेलुलर है तो फिर कितने चीज, क्या किस चीज का बना हुआ है, वो अलग अलग चीजों का बना होता है, हर टिश्यू में अलग अलग चीज का बना होता है। तो मैट्रिक्स को हम अभी ये डिफाइन नहीं करेंगे कि सेल्स नहीं है तो क्या पड़ा हुआ है, टिश्यू की बेसिक कॉम्पोजिशन है सेल और मैट्रिक्स होता है। वैसे ही ब्लड भी एक टिश्यू है, ब्लड भी एक टिश्यू है, तो उसमें भी क्या होगा, सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होगा, उसका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सेल्स को हमारी NCERT में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी लिखा हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी लिखा हुआ है, और जो मैट्रिक्स है ब्लड की मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है। तो जो ब्लड की मैट्रिक्स है वो लिक्विड है बेसिकली। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या खास बात होती है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या खास बात होती है कि कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं और जो यहाँ पे मैट्रिक्स पड़ी होती है, यहाँ पे मैट्रिक्स पड़ी होती है, मैट्रिक्स में हमेशा ना ऐसे धागे पड़े होते हैं, प्रोटीन के धागे पड़े होते हैं, ऐसे प्रोटीनेशियस फाइबर्स पड़े होते हैं,
जो कि इस टिश्यू को स्ट्रांग बनाते हैं। सिर्फ ब्लड और लिम्फ ही ऐसे टिश्यू हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू हैं, विदाउट फाइबर्स हैं। इनकी मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते। ये पहले जब हम टिश्यू पढ़ते थे ना, टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ते थे, तब हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन आता था नीट में कि बताओ कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं है। ब्लड के जो प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड पार्ट है, जो मैट्रिक्स है, उसमें फाइबर्स नहीं होते। बाकी पूरा कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में हमेशा फाइबर्स होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इनकी मैट्रिक्स में, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस ऐसे प्रोटीन के फाइबर्स पड़े होते हैं, ऐसे प्रोटीन के फाइबर्स पड़े होते हैं, ब्लड में नहीं होते। नहीं बेटा, मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म नहीं होता। कौन बच्चा कह रहा है? साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर हो गया ना बेटा, साइटोप्लाज्म तो ये हो गया ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म है अंदर, ये साइटोप्लाज्म है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो तो सेल के अंदर होता है ना बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर होता है। जो सेल के बाहर है और सेल दो सेल्स के बीच में है उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। लिम्फ क्या होता है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ब्लड की जो मैट्रिक्स है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। मैम ब्लड में भी तो फ्लूइड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, मैम ब्लड में तो फ्लूइड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। बेटा प्लाज्मा ही फ्लूइड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ही प्लाज्मा है बेटा इसका। मैट्रिक्स मतलब बीच वाला सब्सटेंस, बीच वाला सब्सटेंस को प्लाज्मा कहते हैं ब्लड में, ठीक है। ये फ्लूइड होता है बेटा, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। अब तुम कहोगे कि यार ब्लड में कितना प्लाज्मा होता है और कितने सेल्स होते हैं, तो आपको लगता होगा प्लाज्मा बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये 55% होते हैं, सेल्स जो होते हैं 45% होते हैं। ये आपको लर्न करना है पहली बात। जो ये फ्लूइड है, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, जो प्लाज्मा है उसके भी दो पार्ट्स। मेजर पार्ट इसका वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा में वाटर ही है, 92% वाटर है, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत आयंस तैर रहे हैं उस पानी में, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ये सारे बाइकार्बोनेट आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ये सारे आयन्स तैर रहे हैं। ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड बफर होता है, ये ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड बफर होता है, पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है मैं बताती हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को थोड़ा सा रोक लो। देन यहाँ पे और चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लूकोज तैर रहा है, क्योंकि जाना ही है सेल्स में जाएगा तो ब्लड में तो जाएगा, पहले ब्लड से ही तो सेल्स में जाएगा। लिपिड तैर रहे हैं, अमाइनो एसिड तैर रहे हैं, लेकिन इनका कोई ज़्यादा कुछ खास परसेंटेज नहीं होता है, तो बहुत कम होते हैं, वेरी लेस होते हैं। जो मेजर पार्ट होता है वाटर के अलावा, वो कुछ प्रोटीन्स तैरते हैं जिनके ऊपर नीट में क्वेश्चन आते हैं। मेजर पार्ट क्या है? वाटर, आयंस, और ये सब तो छोटा मोटा पार्ट है। सेकेंड जो मेजर पार्ट है वो है प्रोटीन्स। 6-8% जो है हमारे प्लाज्मा का वो प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों नीट में आ चुके हैं 500 बार, तो इनको हमने इग्नोर नहीं करना कि कौन से तीन प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। कौन से तीन प्रोटीन्स मिलते हैं? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, और तीसरा कौन सा होता है बताना, तीसरा कौन सा होता है, मैं भूल गई, ग्लोबुलिन। ये तीन कई बार पीवाईक्यू में आ चुके हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इसको नोट डाउन करो। सेल्स तो आसान है, देखो बेसिक आपको सेल्स पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तो अपने को सबको पता है कि ये तीन प्रकार के सेल्स होते हैं ब्लड में, है ना। चलो नोट डाउन कर लो। पीएच मेंटेन करने के लिए होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है बताना, ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच लिखना, गंदा लिख दिया मैंने, पीएच कितना होता है ब्लड का? 7 नेक्स्ट का भी ऑप्शन होता होगा ना निहारिका बेटे, कौन सा ऑप्शन क्लिक करना होता है तुम लोगों को जब तुम्हें आंसर अपना सेव करना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होता है? बताना इस बच्ची को, ये बच्ची का आ रहा है कि अनअटेम्प्टेड आ रहे हैं इसके क्वेश्चंस, बताना बताना कौन सा ऑप्शन होता है, तुम लोग क्या ऑप्शन मार्क करते हो एग्जैक्टली जब तुम्हें सेव करते हो अपने, वो सेव एंड नेक्स्ट करते हो ना, है ना, सेव एंड नेक्स्ट। तो निहारिका बेटा तू मार्क एंड नेक्स्ट कर रही है ना, सेव एंड नेक्स्ट करियो, सेव एंड नेक्स्ट करियो, तब तेरा वो हो जाएगा, सेव हो जाएगा फिर। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे हो सकता है धृति, मैंने बनाया टेस्ट, ठीक है।
इसका पीएच अराउंड 7 ही रहता है, 7.4 के आसपास रहता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच रहता है इसका, ठीक है। अब आओ इन तीनों प्रोटीन्स का फंक्शन देख लेते हैं। इतना तुम लोगों को लर्न हो गया अभी तक? मैंने क्या बोला? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा है ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, रिवाइज करो मेरे साथ। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा, एक होते हैं सेल्स होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, द सेल्स आर 45%। देन प्लाज्मा हैज़ टू मेन कॉम्पोनेंट्स, वाटर एंड प्रोटीन्स। वाटर इज 92%, 6 to 8% इज प्रोटीन। आयन्स हैव नो वैल्यू, वेरी लिटल लिटल लिटल। ग्लूकोज लिपिड्स दे हैव नो वैल्यू, वेरी लिटल लिटल लिटल। ठीक है, देन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच वी हैव टू लर्न, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। वी हैव टू लर्न द फंक्शंस बिकॉज दे आर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड देन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, विच वी विल लर्न अबाउट मोर एंड मोर इन द नेक्स्ट सेक्शंस। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस प्लाज्मा? इस प्लाज्मा की फील कैसी होती है यार? प्लाज्मा की फील कैसी होती है? एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ है प्लाज्मा कैसा होता है। प्लाज्मा का कलर क्या होता है बताना? कलर क्या होता है जरा फिल इन द ब्लैंक्स भरो तो। विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा सा फ्लूइड होता है, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। कलर क्या होता है प्लाज्मा का? ब्लड का पीएच एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट 7 के आसपास रहता है, 7 से थोड़ा सा ऊपर रहता है। वेरी गुड, हुसैन ने सही आंसर दिया है। पेल येलो होता है, ये स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ मतलब येलोइश, स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब होता है येलोइश। तो लेकिन आप कहोगे मैम ब्लड तो रेड दिखता है, वो तो हमें येलो नहीं दिखता। बेटा आरबीसी रेड होता है, और आरबीसी इतना ज़्यादा होता है ब्लड में कि वो ब्लड को अपने ही कलर का दिखा देता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर तुम्हारा हीमोग्लोबिन पड़ा होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो एक्चुअली तुम्हारा जो लिक्विड है वो रेड नहीं है, वो तो येल्लो है। सेल की वजह से, बिकॉज द सेल इज रेड, द होल ब्लड इट लुक्स रेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन। वन इज फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से लिखा है। नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन, पहले तो इनके नाम रटने हैं। एंड थर्ड इज, फिर भूल जाती हूँ यार मैं, क्या मतलब है इसका, ग्लोबुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो आपके हाथ में या कहीं पे भी कभी कट लग जाए, कट लग जाए, कोई कील लग जाए, है ना, तो ब्लड निकलता है। कट लग जाए तो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग इज देयर, बट ब्लीडिंग स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। वो सिल जाता है जहां पे भी कट लगता है, ऐसा लगता है दिस इज समथिंग एज यू नो, कुछ चीजें चिपका दिया है उसको पास में। ब्लीडिंग स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? इट हैपेंस बिकॉज समथिंग हैपेंस, यहां पे एक फिनोमिना हो जाता है जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। कोई चीज होती है यहां पे, एक मैकेनिज्म हो जाता है, जहां पे कट लगा है वहां पे एक मैकेनिज्म होता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड वहां पे रुक जाता है, निकलना बाहर रुक जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग मतलब जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये तुम आगे ब्लड क्लॉटिंग डिटेल में पढ़ोगे, वहां तुम देखोगे कि फाइब्रिनोजन कैसे हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, अभी सिखाऊं ब्लड क्लॉटिंग के बाद में बताऊं? पहले बताओ, अभी बताऊं के बाद में बताऊं? एनसीईआरटी देना मेरे को। बाद में क्यों? देखना कितना बाद में, बाद में, बाद में कर रहे हैं। अभी पढ़ाऊंगी, खोलो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाओ, खोलो एनसीईआरटी खोलो। बाद में कुछ नहीं होता पागल, जो पढ़ना होता है पढ़ के खत्म कर देना होता है। बाद में क्या होता है? हाँ बाद में तो पता नहीं क्या, बाद में ही चलेगा सब कुछ। एक 196 पेज नंबर पे मेरे पास ये आई थिंक पुरानी नई एनसीईआरटी है, 196 है नया। करो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, खोलो। तीन स्टेप है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के, सिर्फ तीन स्टेप्स हैं वो करने हैं। पढ़ो क्या लिखा है उस पर, मिल गया कोएगुलेशन ऑफ ब्लड 15.1.4।
यू नो दैट वेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ योर वूंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मिल गया, पढ़ो. जिसको लिवर बोलते हैं, एक ऑर्गन होता है जिसको लिवर बोलते हैं. लिवर कुछ चीजें बनाता है और बना के वो डालता है ब्लड में. ये दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है. एंड दिस इज योर स्किन, ठीक है. तो लिवर से कुछ चीजें बनती हैं विद हेल्प ऑफ वाइटमिन के कुछ चीजें बनती हैं और उसको ब्लड में डालता है, लेकिन वो इनएक्टिव होती हैं तो वो काम नहीं कर सकती. उनमें से एक चीज होती है जो ब्लड में आती है, वो है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन. फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन, ठीक है, विच इज अ इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है. देन लिवर को पता है एक ना एक दिन इस बंदे की स्किन जरूर कटेगी, और जिस दिन ये स्किन कटेगी उस दिन मुझे ये स्किन वापस जोड़ने के लिए और ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, स्किन जोड़ना या ब्लड क्लॉटिंग करना बेसिकली यहाँ पे ब्लड रोकने के लिए, मुझे इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी. तो लिवर वो पहले से ही बना के डाल देता है ब्लड के अंदर. एक और चीज जो लिवर डालता है, इट इज प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन यहाँ पे रिलीज करके डालता है, और ये विटामिन के की हेल्प से बनते होते हैं. अब ये इनएक्टिव है, ये भी दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव. ये एक्टिव कब होंगे, जब दिक्कत होगी. दिक्कत कैसे होगी, मान लो आपकी स्किन यहां से कट गई, यहां से स्किन कट गई, ठीक है. तो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. स्किन यहां से कट गई, ठीक है, और यहां से ब्लड निकलने लग गया. अब मेरे को ब्लड क्लॉटिंग करनी है यहां से चीजें रोकने के लिए. तो अब मेरे बॉडी क्या करता है, यहां पे ये दिस इज डैमेज टिश्यू डैमेज हो गया, सेल डैमेज हो गया, स्किन का सेल डैमेज हो गया, ब्लड वेसल का सेल डैमेज हो गया, ये सब डैमेज हो गया ना. यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे डैमेज हो गई, ये ब्लड वेसल की वॉल डैमेज हो गई, स्किन डैमेज हो गई तुम्हारी, ठीक है. तो जब ये ब्लड वेसल की वॉल डैमेज होती है, अब यहां से ना कॉन्टिन्यूसली ब्लड बह रहा है, तो ये एरिया थोड़ा खराब सा हो जाता है, ऐसे रफ सा हो जाता है, क्योंकि फट गई ना, यहाँ से वॉल फट गई, ब्लड वेसल की वॉल फट गई, तो ये एरिया थोड़ा रफ होता है. रफ होने से क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं, तो ये जब ये यहाँ से मूव कर रहे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. इन सेल्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स. तो दे आर डैमेज्ड प्लेटलेट्स. मुझे यहाँ वैसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को आगे बनाना था, बट चलो कोई बात नहीं. डैमेज्ड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर अ टाइप ऑफ सेल के पीसेस जो कि ब्लड में तैर रहे होते हैं. इस डैमेज टिश्यू की वजह से प्लेटलेट डैमेज होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट को तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए. अब स्मूथ सरफेस है नहीं, यहाँ पे खराब हो गया सरफेस, टूट गया ना सरफेस, खराब हो गया, तो ये प्लेटलेट डैमेज हो जाते हैं, ऐसे जाते हैं. अब प्लेटलेट डैमेज होते तो कहते हैं यार ऐसे कैसे, एकदम से इनको पता चलता है कि मैं डैमेज इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ये वाला सरफेस ना फट गया, टूट गया है. तो ये और ये टिश्यू मिलके यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करते हैं. कैसे बनाऊँ यार, मैं तो बहुत अच्छा नहीं बना पा रही बेटा, रुक जाओ, थोड़ा सा और अच्छा बना सकती हूँ मैं इसको, है ना, मैं इसको थोड़ा और अच्छा बना सकती हूँ, ऐसे बना लेते हैं तब ज्यादा बढ़िया रहूंगी मैं. ये डैमेज प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज करते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है. वैसे तो ये डायरेक्टली नहीं रिलीज करते, कुछ पहले इनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, फिर उससे थ्रोम्बोकाइनेस बनता है, बट अल्टीमेटली थ्रोम्बोकाइनेस नाम का केमिकल बनता है. थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, लिवर के पास से आया हुआ एक इनएक्टिव केमिकल जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन नाम के इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बोकाइनेस, और इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है. थ्रोम्बिन जो कि एक एक्टिव केमिकल है, ठीक है. तो स्टेप वन ये हो गया बेसिकली. मेरी बात सुनो ध्यान से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दिस इज स्टेप वन, जब थ्रोम्बोकाइनेज बना. दिस इज स्टेप टू, जब थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, और इसके लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है, बिना कैल्शियम आयन के नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए.
ठीक है। स्टेप थ्री क्या होगा, दिस इज स्टेप थ्री, यहां से आया हुआ इनएक्टिव केमिकल फाइब्रिनोजन लिवर से आया हुआ, देखो ये भी लिवर से आया है, ये भी लिवर से आया हुआ है, इनएक्टिव है दोनों, ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक्टिव केमिकल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज अ इनएक्टिव केमिकल, सोल्यूबल प्रोटीन है ये, दिस इज अ सोल्यूबल प्रोटीन, ये कुछ कर नहीं सकता, ये इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन की हेल्प से, और ऑफकोर्स यहां पर भी कैल्शियम लगता है, ठीक है। ये फाइब्रिन ऐसे इनसोल्यूबल धागे हैं, धागे, तो ये धागे क्या करेंगे, ये धागे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये धागे ऐसे नेटवर्क बना देंगे और टूटी हुई ब्लड वेसल को सिल देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे धागे बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट है वो यहाँ पे फंस जाएंगे, इन धागों के बीच में फंस जाएंगे, इन धागों के बीच में ऐसे फंस जाएंगे और यहाँ पे पूरा प्लग बन जाएगा, जो ब्लड होता है वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, इसको क्लॉट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉट, क्लॉट या कोएगुलम, जिससे ब्लड रुकता है, कोएगुलम। तो क्लॉट में से बेसिकली क्या है, मेजरली फाइब्रिन है और कुछ नहीं है, मेजरली क्या है, ये फाइब्रिन के धागे हैं ये और कुछ नहीं है, मेजरली क्या है, फाइब्रिन के थ्रेड्स हैं प्लस डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं इनमें फंसे हुए, डैमेज्ड ब्लड सेल्स इनमें फंसे हुए हैं, समझ में आया, और हमारा क्लॉटिंग हो गया। मैं रिवाइज करा दूं, पहले इसको नोट करो फिर रिवाइज कराती हूँ, पहले नोट करो इसको, चलो 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 बेटा, चलो 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 चलो, अरे कर दूंगी भाई, रिवाइज भी कर दूंगी, तू लिख तो सही श्रीजा, हाथ तो चलाओ अपना, हाथ चलाओ पहले फिर करती हूँ, चलो प्रभु के गीत गाओ। स्कम भी इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये जो रेडी स्कम बन जाती है, क्लॉट ही है। फाइब्रिन के नीचे क्या लिखा है मैंने, इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन के इनसॉल्युबल धागे बन जाते हैं। दोबारा सिखा रही हूं, दोबारा सिखा रही हूं, चलो 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 प्रभु के गीत गाओ, जिस भी प्रभु के आप गाना चाहते हो। हेपरिन एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है मासूम, ताकि बिना कट के अंदर ही क्लॉटिंग ना चलती रहे, स्किन धीरे धीरे बेटा रिपेयर होती है, स्किन को रिपेयर करने का अलग होता है तरीका। चलो 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 चलो, तो हुआ क्या भैया कि तुम्हारी ब्लड वेसल कट गई, यहाँ पे ब्लड वेसल कट गई, ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल को सिलने के लिए चाहिए क्या, फाइब्रिन, फाइब्रिन चाहिए सिलने के लिए, फाइब्रिन के धागे चाहिए, फाइब्रिन ब्लड में नहीं पड़ा होता, फाइब्रिन नहीं पड़ा होता ब्लड में, क्या पड़ा होता है, लिवर से आया हुआ फाइब्रिनोजेन पड़ा होता है, फाइब्रिनोजेन पड़ा होता है, तो फाइब्रिनोजेन ऐसा होता है कि हाय दैया अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं तो आके यहां नहीं सिल सकता, कौन कन्वर्ट करेगा मुझे फाइब्रिनोजेन को, फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो इसको कौन कन्वर्ट करता है, इसको थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन नाम का केमिकल होता है, कहता मैं कन्वर्ट करूंगा तुम्हें, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कन्वर्ट कर दूंगा, पर थ्रोम्बिन को कौन बनाएगा भैया, लिवर से तो प्रोथ्रोम्बिन आता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, तो कहता है, ये कहता है हाय दैया मुझे तो पहले कन्वर्ट कर दो कोई, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में तो कन्वर्ट कर दो, तब ना जाके इसको कन्वर्ट करेगा, तो हम कहते हैं रुक जाओ तुम्हारे लिए एक और चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ये ब्लड में प्रोड्यूस होता है, ये लिवर से नहीं आ रहा, थ्रोम्बोकाइनेज से बात शुरू हो रही है बेसिकली सारी, थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बन रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज्ड प्लेटलेट्स, जो यहां पे प्लेटलेट डैमेज हो गए थे ना, यहां पे प्लेटलेट जब ऐसे गंदे सरफेस, रफ टूटे हुए सरफेस में जो प्लेटलेट टच हुआ, प्लेटलेट वो डैमेज हो गया, हाय 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 मुझे तो चोट लग गई, प्लेटलेट हाय 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 करके डैमेज हो गया, तो उसने हाय 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 करते हुए प्लेटलेट ने कहा कि मैं श्राप देता हूं कि इस जगह को सिलना ही होगा वापस, तो वो श्राप में क्या छोड़ता है, थ्रोम्बोकाइनेज छोड़ता है, प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज निकलता है, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में ही बनता है ना, फॉर्म्ड एट साइट ऑफ इंजरी, वहीं पे ही बनता है ना, ये कौन सा लिवर से बन के आ रहा है ना, टूटे हुए प्लेटलेट ने रिलीज कर दिया इसको, फिर थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, ये दिस इज स्टेप वन, थ्रोम्बोकाइनेज बनना स्टेप वन, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, प्रोथ्रोम्बिन किसने बनाया, लिवर ने बनाया, किसकी प्रेजेंस में, विटामिन के की प्रेजेंस में, ठीक है, ये स्टेप टू हो गया, और फिर थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप थ्री हो गया, फाइब्रिन ने यहाँ पे आके सिल दिया यहाँ पे ऐसे,
और टूटे हुए प्लेटलेट्स भी इसमें घुस गए ऐसे, और यहाँ पे जुड़ गई ये वाली ब्लड वेसल जुड़ गई, इसको हम इसको हम कोएगुलम या क्लॉट बोलते हैं। रिवाइज हो गया, क्या दिक्कत है, रिवीजन तो हो गई। सब में सारे स्टेप्स में कैल्शियम चाहिए यहाँ पे, कैल्शियम कैल्शियम। समझ में आया? ऐसे स्टेप को, अच्छा मुझे बताओ क्या स्टेप वन अगर ना होता क्या स्टेप टू हो सकता था? नहीं हो सकता था। दैट मीन्स स्टेप टू इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन स्टेप वन। अगर स्टेप टू ना होता क्या स्टेप थ्री हो सकता था? नहीं हो सकता था। दैट मीन्स स्टेप थ्री इज डिपेंडेंट अपॉन स्टेप टू। जब एक के बाद ऐसे स्टेप्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस मतलब ईच स्टेप इज डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियस स्टेप। ईच स्टेप इज डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियस स्टेप। समझ में आया? बोलो। चलो, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from body. You would have observed a dark reddish brown scum. Scum matlab wo jo cover sa ban jata hai jahan pe cut lagta hai. Formed at the site of cut or injury over a period of time. It is a clot or coagulum. इसी scum को ही clot या coagulum कहते हैं बेटा। Formed mainly of a network of threads. Coagulum में mainly क्या है? Network of threads है, called fibrins, in which dead and damaged formed elements. तो देखो मैंने लिखा था dead platelets फंस जाते हैं, लेकिन NCERT specially नहीं बोल रही कि platelet फंस जाते हैं, वो कह रही dead and formed element, कोई भी formed elements फंस सकता है उसने बोला है। कोई बात नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हम लर्न करेंगे, ठीक है। कोई भी डेड सेल्स जो डैमेज सेल्स हैं वो वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि ब्लड में तो प्लेटलेट के अलावा भी सेल होते हैं ना, विच आर दे आर ट्रैप्ड। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड। अब इन्होंने उल्टा शुरू किया कि फाइब्रिन कैसे बनता है, ठीक है, थर्ड स्टेप से शुरू किया इन्होंने, बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बिन। ये तो थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप को करने के लिए सेकेंड स्टेप सीखते हैं। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड, दिस इज द थर्ड स्टेप बेसिकली, दिस इज द सेकेंड स्टेप नीचे वाला। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड बाय अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, कि भैया ये प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। अब थर्ड स्टेप क्या है? एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। सो प्रोथ्रोम्बिनेज तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं बोला, इसलिए मैंने सिर्फ थ्रोम्बोकाइनेज लिखा है। जो लिखा है एनसीईआरटी में एक्जैक्टली वही लर्न करना है, उसके अलावा दूसरा नाम भी याद नहीं करना उसका। इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। This complex is formed by a series of linked enzymatic reactions, cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. कैल्शियम आयन्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। तो आप ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ये समझ में आ गया एनसीईआरटी, समझ में आ गया? क्रिसमस फैक्टर फैक्टर कुछ नहीं करना बेटा आपने। डैमेज प्लेटलेट्स प्लस डैमेज टिश्यू से भी रिलीज करवा लो इसको, डैमेज टिश्यू की मदद से भी रिलीज करा लो, दोनों ही रिलीज करते हैं एक्चुअली ना इसको, डैमेज टिश्यू और डैमेज प्लेटलेट जो है थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करते हैं। एक्चुअली डायरेक्टली नहीं करते, यहाँ पे बड़ा तगड़ा मैकेनिज्म होता है, ये डैमेज प्लेटलेट और डैमेज टिश्यू से ये बनाने के लिए ना बड़ा तगड़ा मैकेनिज्म होता है। स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स होते हैं, लेकिन वेरियस स्टेप्स अपने को करने नहीं, अपने को बस डायरेक्टली सीधा ये लिखना है। हो गया? अपने आपने बोला कि ब्लड में फाइब्रिन नहीं होते, प्लीज मैम बिग डाउट अलीशा तुम सुन नहीं रहे हो बेटा, ब्लड के अंदर फाइब्रिन नहीं होता, ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन घूम रहा है। फाइब्रिन सिर्फ उसी जगह पे बन रहा है जहां पे चोट लगी है, वहां पे फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिर फाइब्रिन उस क्लॉट को बना देता है। तो बस फाइब्रिन वहीं चिपक गया क्लॉट पे, फिर ब्लड के अंदर तो फाइब्रिन नहीं घूम रहा ना, खुला फाइब्रिन कहाँ घूम रहा है, फाइब्रिनोजेन घूम रहा है बेटा, फाइब्रिनोजेन क्लॉट नहीं बना सकता।
बेटा ये हो गया तो प्लीज आगे चलो। तुम्हें मैंने ये बता दिया कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजन का क्या काम है, समझ में आ गया? एग्जाम का अनसॉल्व पीपीटी बिल्कुल मिलता है बेटा, आप जहाँ पे जब आपका जहाँ पे आपका वो होता है ना ऐप में जहाँ आप खोलते हो वहाँ पे आपका, जैसे मान लो आपके चैप्टर्स हैं जो आपने ऊपर चैप्टर्स पढ़े, लास्ट में कॉलम देखना टेस्ट का कॉलम है, टेस्ट पे क्लिक करोगे वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अच्छा ब्लड में फाइबर्स नहीं होते ये बोला था? बेटा ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, देखो ये तो स्पेशल केस है ना, जब कट लगा तब वहां पे फाइब्रिन के फाइबर बन रहे हैं, जो वैसे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स को बोलते हैं कॉलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स, वो बिल्कुल अलग फाइबर्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में पड़े होते हैं नॉर्मली। ये शायद ये क्वेश्चन होगा ना आपका अलीशा, यही क्वेश्चन होगा, वो बिल्कुल अलग होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, कॉलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स, ब्लड के अंदर वो नहीं होते। ब्लड के अंदर फाइब्रिन नाम का फाइबर बनता है, वो भी सिर्फ वहां पे जहां कट लगता है और कहीं पे नहीं। चलो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं। ग्लोबुलिन को सिंपल ऐसे याद रख लो, ब्लड में एक चीज होती है समथिंग कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आप जाके ह्यूमन इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, प्लस टू में एक चैप्टर ह्यूमन इम्यूनिटी, उसमें पढ़ोगे, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। फॉरेन ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये नहीं है कि यूएसए के लोगों से प्रोटेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से। तो ये प्रोटीन होती हैं, छोटी छोटी एंटीबॉडीज होती हैं, ऐसे ऐसे वाई शेप मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, वैसे तो और भी बहुत शेप होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, वाई शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो बैक्टीरिया घूम रहा है ब्लड में, ला 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 ला, ऐसे घूम रहा है बैक्टीरिया, घूम रहा है, तो ये बैक्टीरिया पे चिपक जाती हैं, ऐसे चिपक के पकड़ लेती हैं बैक्टीरिया को, कहती है रुक जा तेरे को तो मैं बताती हूँ, ऐसे पकड़ लेती हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, और चिल्ला देती हैं फिर, जैसे लड़कियां करती हैं ना बड़े भाई को चिल्ला देती हैं कि आओ आओ ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, तो बैक्टीरिया तो इनको छेड़ भी नहीं रहता, खुद चिपकती हैं उससे पहले जाके, और फिर बुला लेती हैं ब्लड के कुछ WBCs को, जिनको बोलते हैं हम न्यूट्रोफिल्स। अभी तुम पढ़ोगे WBC होता है, एक न्यूट्रोफिल को बुला लेती हैं, और एक और होता है मोनोसाइट भी होता है, न्यूट्रोफिल को बुला लेती हैं, न्यूट्रोफिल आके इनको खा जाता है ऐसे करके, इनके सूडोपोडिया से बना के इसको चबा जाता है ऐसे तो ये बेसिकली कुछ नहीं, इनको बुलाने का काम करती हैं, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स वगैरह को बुलाने का काम करती हैं, और मैक्रोफेजेस को भी बुला लेती हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, एंटीबॉडीज होती हैं ग्लोबुलिन्स जो है, एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। देन एल्ब्यूमिन, इसका काम थोड़ा सा तुम्हें समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है ब्लड का। इसका मीनिंग क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले तुम ये नोट करो ग्लोबुलिन वाला। तो है ग्लोबुलिन्स कुछ नहीं होती, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह ब्लड में घुस जाते हैं ना उनको पकड़ लेती हैं, और फिर चिल्ला देती है न्यूट्रोफिल जल्दी आना मैंने एक बैक्टीरिया पकड़ा है, ऐसे बुला लेती हैं, फिर न्यूट्रोफिल आके खा जाते हैं बैक्टीरिया को। आज तुम्हें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी तुम्हें पता भी नहीं चल रहा तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी। हमारी बॉडी में वाटर होता है जो कि हमें लगता है कितनी अच्छी चीज़ है, ये इट्स नॉट अ वेरी गुड मॉलिक्यूल, इट्स अ ठरकी मॉलिक्यूल, इट हैज़ मैनी लवर्स, इनके लवर्स को वी कॉल, वाटर के जो लवर्स होते हैं वी कॉल देम ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे आयन्स हो गए, जैसे हो गए प्रोटीन्स। वाटर इज क्रेजी फॉर ऑस्मोलाइट्स, इट फॉलोज ऑस्मोलाइट्स, पीछे पीछे भागता है ऑस्मोलाइट्स के, थरकी कहीं का। ये एल्ब्यूमिन से भी मैं बताऊंगी एल्ब्यूमिन से कैसे रिलेटेड है कॉस्मो ऑस्मोलाइट्स, ये बातें लिख लो बेटा, किसी को बताना मत, नॉन मेडिकल वालों को तो मत ही बताना, नॉन मेडिकल वाले ऐसी बातें जान जाएंगे उनके कानों से खून आ सकता है ये सब बातें सुन के, क्या क्या अच्छी बातें सोचते थे वो वाटर के बारे में, देखो कैसा ठरकी निकला। तो होता क्या है, आपके ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वाटर है बेसिकली, प्लाज्मा में 92% तो वाटर ही है ना, तो देर इज वाटर, वाटर प्लाज्मा में वाटर है। नाउ ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, खासकर जो कैपिलरीज होती हैं, जो कैपिलरी होती है वो एक्चुअली में ऐसे एयर टाइट नहीं होती, वो ऐसे सेल्स की बनी होती है, बीच में ऐसे सेल्स की बनी होती है,
सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, या हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में भी पढ़ा था, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स की बनी होती है जिनको एंडोथीलियम कहते हैं, एंड दिस वाटर कैन एक्चुअली लीक आउट, बाहर जा सकता है वो इन सेल्स से, ऐसे बीच बीच में से ऐसे जा सकता है बाहर, और जाता भी है, क्योंकि यही वाटर जब बाहर जाता है इसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं, इसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं। तो भैया तुम सोचो, एक पाइप में पानी भरा हुआ है, प्रेशर है उसके अंदर, तो प्रेशर, ये तो फुहारे की तरह लीक आउट हो जाएगा वाटर, तो सारा ही बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर ना निकल जाए इसके लिए कुछ, इसकी जो बीवियां होती हैं, लवर्स होती हैं कुछ, इसकी वाइफ्स होती हैं कुछ, उसको अंदर हम छोड़ देते हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स अंदर छोड़ देते हैं हम, ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन छोड़ देते हैं प्लाज्मा में, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन छोड़ देते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हम छोड़ देते हैं ऐसे। और जैसे सारा वाटर बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए जब वाटर बाहर जाने लगता है, अब तुम्हें पता है वाटर प्यार करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन इज वन ऑफ द वाइफ ऑफ वाटर, वाटर लव्स प्रोटीन्स, तो जब ये जाने लगता है तो ये एल्ब्यूमिन इसको बोलती है वाटर को, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, तो वाटर कहता है भाई इतने प्यार से बुला रही है तो नहीं जाऊंगा, तो कुछ ही वाटर निकलता है, बाकी वाटर यहीं पर रह जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, ब्लड प्रेशर कैसे बनेगा, यही तो ब्लड प्रेशर है, बीपी क्या होता है, यही तो होता है जो प्रेशर होता है ब्लड का ट्यूब्स के अंदर, ऐसा सारा वाटर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर के पास निकलने के लिए तो जगह है, तो सारा का सारा ना निकल जाए तो हमने कुछ प्रोटीन्स छोड़ रखे हैं ब्लड में। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का ही मीनिंग ये होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड ऑस्मोलाइट्स, किसी भी लिक्विड में वाटर और ऑस्मोलाइट्स का बैलेंस, तो वाटर पूरा ना निकल जाए, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे अंदर, इसीलिए हमने एल्ब्यूमिन छोड़ रखे, और एल्ब्यूमिन खुद बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एल्ब्यूमिन काफी बड़ा प्रोटीन होता है, और यहां से छोटे मोटे प्रोटीन तो निकल सकते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स तो निकल सकते हैं बाहर, लार्ज प्रोटीन्स नहीं निकल सकते, स्मॉल प्रोटीन्स तो बाहर आ जाएंगे, लार्ज प्रोटीन्स नहीं निकल पाएंगे, एल्ब्यूमिन अंदर ही रहेगा। नहीं, एल्ब्यूमिन से एल्ब्यूनिमिज़म नहीं, नहीं अंका, जो बीमारी की तुम बात कर रही हो वो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म, अंका को लग रहा है कि एल्ब्यूमिन और एल्बिनिज्म में कोई कनेक्शन है, एल्बिनिज्म इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या होता है, बॉडी के जो सेल्स होते हैं मिलानोसाइट्स, जिनसे मेलानिन बनता है, मेलानिन से मेरी स्किन का कलर आता है, नहीं तो हमारी स्किन का कलर व्हाइट होता। अब मेलानिन सबकी बॉडी में अलग अलग बनता है, कोई बिल्कुल डार्क स्किन कलर है क्योंकि ज्यादा मेलानिन बन रहा है, कोई बिल्कुल फीका स्किन कलर है क्योंकि मेलानिन कम बन रहा है, तो इसमें मेलानिन नहीं बनता, नो मेलानिन, मतलब इस बंदे की बॉडी में इतना कम मेलानिन बनेगा कि इसकी आंखें, जो आयरिस है ना, जो आंख का ढेला है, जो ब्लैक दिखना चाहिए या ग्रीन कुछ तो दिखे, वो पिंक दिखता है, क्योंकि कोई कलर ही नहीं है आंख के ढेले में, सिर्फ वो ब्लड वेसल्स दिख रही है, पिंक आई कलर, वो जो गुलाबी आंखें बोलते हैं ना, गुलाबी आंखें जो तूने देखी, तो उस लड़की को एल्बिनिज्म होगा तभी उसकी आंखें गुलाबी नजर आई, नहीं तो किस लड़की की आंखें गुलाबी होती हैं यार, काली होती हैं, हरी होती हैं, ब्लू होती हैं, देर आर नो पिंक आईज, ओनली एल्बिनिज्म में पिंक आईज होते हैं, बिकॉज देर इज नो मेलानिन इन द बॉडी, व्हाइट कलर्ड हेयर, पिंक आईज, दे कैन नॉट गो इन टू सन, सन में नहीं जा सकते एल्बिनिज्म वाले लोग, क्योंकि मेलानिन ही सिर्फ है जो सन से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, सो दिस इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। देन दिस, ये एल्ब्यूमिन बिल्कुल अलग है, एल्बिनिज्म बिल्कुल अलग है। ब्लड इज, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ब्लड क्या है, ब्लड इज स्पेशल, ये पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन बनाए हुए मैंने, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है, कहीं छोड़ दो, मैं इसमें से क्वेश्चन बना दूंगी फिर रह जाओगे तुम लोग, तुम रह जाओगे, मेरे को तो आते होंगे क्वेश्चन क्योंकि मैंने ही बनाए हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें। अभी अभी तो आए हो, यार इतने गाने गाने का मन करता है मेरा, पता है नॉर्मल जिंदगी में ना मेरे गाने कोई सुनता नहीं, सब मुझे ऐसे बोलते हैं कि चुप कर जा, तभी मैं सारे गाने क्लास में गा देती हूँ। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा फ्लूइड है, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड, 92% ऑफ प्लाज्मा इज ओनली वाटर एंड 6-8% इज प्रोटीन्स, ठीक है। वट थ्री प्रोटीन्स आर देयर, फाइब्रिनोजन इज देयर, ग्लोबुलिन इज देयर एंड एल्ब्यूमिन इज देयर, ठीक है, कैसे याद रखोगे, FGA, मैं तो कभी इसका कोई निमोनिक भी नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। आर द मेजर प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म,
एंड डिफेंस मैकेनिज्म, यू अंडरस्टैंड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, एंड एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स ऑल्सो आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट. ट्रांजिट मतलब मूवमेंट, सेल्स में जाते रहते हैं ना ये. इन द बॉडी फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन इज अ फैक्टर फॉर क्लॉटिंग, एंड देन प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो फैक्टर फॉर क्लॉटिंग, एंड देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो कि आपको नहीं पढ़ने. ठीक है, नाउ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. ये थोड़ा सा ध्यान लाइन रखेंगे, लाइन ध्यान रखेंगे. ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दो, माइनस कर दो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कर दो, तो मेरे को क्या मिलेगा? प्लाज्मा. ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दे, तेरे को प्लाज्मा निकलेगा. प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दे, जितने भी क्लॉट करने के लिए फैक्टर्स हैं, इसको लर्न करना है, ये लिख लो कॉपी में. क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दे, तेरे को सीरम मिल जाएगा, एक लिक्विड मिल जाएगा जिसको सीरम बोलते हैं. आरबीसी जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रो मतलब रेड कलर, साइट मतलब सेल, साइट का मतलब होता है सेल, इरिथ्रो मतलब रेड. ठीक है, तो ये बड़े ऐसे प्यारे से होते हैं, ऐसे निन्नू से होते हैं, ऐसे क्यूटी से होते हैं. इनको साइड से देखोगे तो ये ऐसी शेप के होते हैं, इधर से भी कनकेव है, इधर से भी कनकेव है. ठीक है, तो इनका जो शेप होता है वो बाई कनकेव शेप होता है. तो बोलते हैं बाई कनकेव शेप, बाई कनकेव शेप. कनकेव देखो क्या होता है, कोई चीज जैसे तुमने यहां से देखी, मान लो जैसे तुम्हारी आंख है यहां पे, ये तुम्हारी आंख है, तो कनकेव का मतलब ये होता है कनकेव, कनकेव. ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे कनकेव है, तुम ऊपर से देख रहे हो तो यहां पे भी कनकेव है, इधर से देख रहे हो तो यहां पे भी कनकेव है. ऐसे केव होती है ना, बेसिकली केव से याद रखना है इसको, केव से याद रखना है इसको, केव गड्ढा है बेसिक, जहां से तुम देख रहे हो ऐसे केव होनी चाहिए अंदर. ठीक है, बाई कनकेव. अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ये गोलू होता है, ऐसे टॉप से देखोगे तो ऐसे, तब यहां पे बाई कनकेव नहीं नजर आता. ये सेल ई न्यूक्लिएटेड होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर. जब ये डेवलप हो रहा होता है, बेसिकली डेवलप होता है बोन मैरो में. बोन मैरो कहां होता है? ये बोन है तुम्हारी, ये तुम्हारी बोन है. ठीक है, तो बोन मैरो, ये तुम्हारी कैविटी है. बोन का बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं. मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो भरा होता है, इसके अंदर येलो बोन मैरो भरा होता है. येलो बोन मैरो अभी हमारे किसी काम का नहीं होता, रिजर्व टिश्यू होता है ये, जरूरत आने पर रेड हो जाता है ये पहले, लेकिन अभी येलो होता है. ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारी बोन है ना, उसके बीच में तुम्हारा रेड बोन मैरो भरा होता है. यहाँ पे तुम्हारी जो बोन है ऐसे टुकड़ों में पड़ी होती है, वैसे टुकड़ों में पड़ी होती है, टुकड़ों टुकड़ों से बोन पड़ी होती है, ऐसे प्लेट्स सी पड़ी होती है बोन की ना, उसके बीच में रेड कलर का टिश्यू होता है. यहाँ पे ऐसे टिश्यू होता है, यहाँ पे रेड कलर का तो होता है, पता नहीं होता, पर इसका नाम रेड बोन मैरो होता है. हाँ, रेड कलर का होता है, तभी तो रेड बोन मैरो होता है. ऐसे रेड कलर का टिश्यू बीच बीच में पड़ा होता है, इसको रेड बोन मैरो कहते हैं. ठीक है, रेड बोन मैरो से सारे सेल्स बनते हैं. रेड बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं. स्टेम सेल्स की क्या स्पेशलिटी होती है? स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में सिर्फ बहुत कम जगह पड़े होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, मतलब इनमें कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस हो सकती है. तो यहाँ पे जैसे स्टेम सेल्स कुछ ही जगह पर होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन में होते हैं स्टेम सेल्स, तभी हमारी स्किन कॉन्टिन्यूसली नए सेल्स बनाती है. ठीक है, वैसे यहाँ पे रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ये नए सेल्स बनाते हैं, और यहीं से हमारा आरबीसी भी बनता है, यहीं से हमारा डब्ल्यूबीसी भी बनता है, यहीं से हमारे प्लेटलेट्स भी बनते हैं. प्लेटलेट कैसे बनते हैं? यहाँ पे सेल बनता है जिसको मीगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं. मीगा कैरियोसाइट्स, मीगा कैरियोसाइट ऐसे बड़ा सेल होता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, मीगो कैरियोसाइट के ऐसे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं. जैसे ये मीगा कैरियोसाइट है, उसके टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, इन टुकड़ों को प्लेटलेट बोलते हैं. तो आरबी जो रेड बोन मैरो है, आरबीएम है, इट इज द बेसिकली घर, मतलब वो है फैक्ट्री है बेसिकली ये, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स, इवन प्लेटलेट्स, सबकी फैक्ट्री है ये, सारे के सारे यहीं पे बनते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये डेवलप होते हैं
जब आरबीसी डेवलप होते हैं, ठीक है, तो ये पहले ई न्यूक्लिएट नहीं होते बेचारे, ये पहले तो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ऐसे न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये बाद में जब मैच्योर होता है ना सेल, बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर, इन बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होता है ये, तो ये अपना न्यूक्लियस थूक देता है, बाहर थूक देता है, तो ये ई न्यूक्लिएट हो जाता है, बिना न्यूक्लियस के हो जाता है। तो क्या ये ई न्यूक्लिएटेड, तो क्या ये मरा हुआ सेल है भाई, लाइव सेल है, ये जिंदा है, इट इज नॉट अ डेड सेल। कैसे पता चला मुझे डेड सेल नहीं है? इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, कॉपी में लिखो जिसको नहीं पता। ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। इन सबका टोटल कर दोगे ना सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन का, तो उसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो इसके अंदर बहुत केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब तुम कहोगे मैम ये न्यूक्लियस क्यों थूक देता है? बेटा ये ना जगह बनाना चाहता है एक रेड कलर के पिगमेंट के लिए, ये जगह बनाना चाहता है एक रेड कलर के पिगमेंट के लिए, जिसके कि इसको कितने पार्टिकल्स भरने हैं उसके रेड कलर के पिगमेंट के, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स भरने हैं। तो ये उस पिगमेंट को रखने के लिए जगह बना रहा होता है। ये कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है, इसलिए आरबीसी रेड होता है, इसलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल है, इसलिए पूरा ब्लड रेड होता है। ये कितने होते हैं? 5 to 5.5 million होते हैं ये। किसमें? पूरे ब्लड में नहीं, सिर्फ 1 mm cube ऑफ ब्लड में, पर mm cube ऑफ ब्लड मतलब 1 millimeter इधर, 1 millimeter इधर, 1 mm इधर, 1 mm इधर, और 1 mm ऐसे, एक बॉक्स ले लो 1 mm ऐसे, इस बॉक्स में जितना ब्लड आएगा ना उसमें 5 to 5.5 million मतलब 50 से 55 lakh आरबीसी होता है एक इतने से बॉक्स में अगर ब्लड भर दोगे तो, 1 mm cube वाले बॉक्स में भर दोगे तो बहुत ज़्यादा। 99% ऑफ ब्लड सेल्स आपके आरबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी की तो कोई औकात ही नहीं। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 6 से 8 हज़ार प्रति mm cube। ये प्लेटलेट फिर भी ज़्यादा होते हैं। ये कितना होता है डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 6 to 8 K प्रति mm cube। और ब्लड प्लेटलेट कितना होता है? ये फिर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.5 to 3.5 lakh प्रति mm cube। इनकी क्वांटिटीज अपन याद रखना है। ये 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स है भाई, कोई औकात नहीं है डब्ल्यूबीसी की, कोई औकात नहीं है। तभी तो रेड कलर का दिखता है ब्लड, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है वही मेजोरिटी ऑफ सेल है। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? हाउ मच हीमोग्लोबिन, ये बताओ, एनसीईआरटी पढ़ के बताओ जल्दी। कनकेव लिखा होगा कैविटी के ऊपर, कनकेव लिखा होगा ना प्रीशेल मैंने। ये ई न्यूक्लियट कैसे होते हैं? एंजल ऐसे वो मैच्योर होता है, फिर वैसे थूक देता है, न्यूक्लियस साइड में थूक देता है बेटा। 12 से 16 ग्राम कितना प्रति 100 ml ऑफ ब्लड टोटल? नहीं, जो डॉक्टर कहता है ना आपका खून 8 ग्राम रह गया, आप खाना ठीक से खाओ 11 ग्राम खून रह गया, वो खून क्या होता है? वो हीमोग्लोबिन बताता है बेसिकली, और 100 ml ऑफ ब्लड में हम बताते होते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग का इतना होना चाहिए, 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। औरतों का जनरली कम हो जाता होता है, क्योंकि आयरन नहीं खाती ना, वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मैंने पहले ही बताया था, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ना ये, आयरन होता है इसमें। तो औरतों में रूरल एरियाज में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है औरतों की बॉडी में, 7 ग्राम 8 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, तो बड़ी दिक्कत है यार। और ये जितना पिगमेंट है वो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पिगमेंट, पिगमेंट में 97% ऑफ ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन ही पकड़ के लेके जा रहा है ना, कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू में जल्दी बताओ। ये जो ये हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कितना ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को जल्दी बोल। हाँ लोकेश है बेटा, 5 ml ऑक्सीजन देता है, पकड़ के ज़्यादा लेके जाता है, पकड़ के काफ़ी ज़्यादा लेके जाता है, 20 ml के आसपास लेके जाता है ऑक्सीजन, पर डिलीवर सिर्फ 5 ml कर पाता है, छोड़ नहीं पाता ना, बीवी है इसकी, कहता है यार पूरी की पूरी बीवी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, चलो 5% ये 5 ml छोड़ दूंगा। तो 5 ml O2 ट्रांसपोर्ट टिश्यू को देता है ये, ठीक है। अब आरबीसी क्या है? आरबीसी है बना कहाँ पे? रेड बोन मैरो में बना आरबीसी, बना आरबीसी 120 डेज तक प्रॉपर काम किया, लाइफ स्पैन है आरबीसी की। उसके बाद क्या होता है? ये स्प्लीन नाम के ऑर्गन में जाता है, स्प्लीन नाम के ऑर्गन में जाता है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्लीन में क्या होता है, बहुत पतली पतली ऐसे कैपिलरीज होती हैं,
बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, तो आरबीसी ना बेचारा कैपिलरी से निकल निकल के पहले उसकी ना जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली हो रखी होती है, तो इतनी पतली मेम्ब्रेन में से, पतली कैपिलरी में से जब आरबीसी निकलता है तो आरबीसी फट जाता है, तो आरबीसी की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली नेचर का तरीका है पुराने आरबीसी को मारने का, तो 120 डेज के बाद स्प्लीन में डेथ हो जाती है आरबीसी की, डेथ ऑफ आरबीसी हो जाती है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। स्प्लीन के बारे में तुम एक और चीज़ पढ़ोगे आगे जाके ह्यूमन इम्यून सिस्टम में प्लस टू में जो चैप्टर है, कि स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो होता ही है, ये कुछ कुछ जब आरबीएम आरबीसी बनता है ना रेड बोन मैरो से, कुछ कुछ आरबीसी यहाँ पे स्टोर भी करके रखता है, जरूरत आने पे ब्लड में आरबीसी छोड़ता भी रहता है, नया आरबीसी भी छोड़ता रहता है ये, तो ये इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी एज वेल, इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एज वेल एज स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी। पुराने आरबीसी को मारता है, कुछ कुछ नया आरबीसी को स्टोर भी करके रखता है, नोट करो इसको।